हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। गाइस, आज की वीडियो में आपको पत्थर शल्ला बना के दिखाऊंगा, वो किस तरह से बनाता है और किस तरह से हम बना सकते हैं आसानी से। आज की वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको पत्थर शल्ला बना के दिखाऊंगा, उसके सबसे पहले मैं आपको बनाने से पहले आपको वो तरीका बताऊंगा अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, और मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते गाइस, इसके लिए हमें ये कैंची शुंची चाहिए, ठीक है, पत्थर शल्ला बनाने के लिए। और इसके लिए ये गम स्टिक वगैरह चाहिए, और उसके लिए दो तिल्ले चाहिए, जो ये स्टिक्स वगैरह आ जाती है दो, ये देख सकते हैं गाइस, झाड़ू का तिल्ले की ये दो स्टिक्स है। और उसके अलावा ये ताशू आ जाता है, ठीक है, आप प्लास्टिक बैग की भी पत्थर शल्ला बना सकते हो, लेकिन मैं जो कि ये यूज़ करूँगा ता वगैरह। और ये देख सकते गाइस, ये मेरे हाथ में ये वगैरह आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। और मैं आपको आज की वीडियो में आपको बताता हूँ किस तरह से आप बना सकते हो बस आनी थे, और वीडियो को शुरू से रहते एंड तक लाजमी देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपका भाई बताएगा, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आते हैं वीडियो की तरह, टाइम वेस्ट के बाद आज जो कि हमारा जो कि बहुत ज़्यादा दिन अच्छा है और जो कि गुड्डे शुड्डे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, आते हैं वीडियो की तरफ। कि आप देख सकते हैं आपके भाई ने जो कि 2 मिनटों का काम किया, आका भाई जो कि पत्थर शल्ला बना चुका है, ये देख सकते हैं गाइस, आका भाई ने खुद डिजाइन किया, ये देख सकते हैं गाइस, गोल सर्कल से आके भाई ने लगाया है। तो टाइम वेस्ट के बजाय आप क्या करें गाइस, इसको आप उड़ाना शुरू करते हैं गाइस। अभी जो कि वो वाला अभी गुड्डा उड़ा हुआ है, अभी क्या करेंगे गाइस, अभी हम उड़ाएंगे, आपको चेक कराते हैं कि ये गुड्डा जो कि सही भी है कि नहीं, मतलब ये उड़ने के काबिल भी है। अभी आप हम उड़ाना शुरू करते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, अब क्या करेगा भाई, ये देख सकते हैं आपका भाई जो कि तलामीशा में डालने लगा, ये देख सकते हैं गाइस, इसको अब डालेगा आपके तलामीशा में। उसके बाद क्या करेंगे, इसको फ्लाइंग करेंगे, मतलब कि उड़ाएंगे, इसको चेक करेंगे कि हमारा जो कि प्रदर्शन किस तरह से बना है, कि उड़ सकता भी है कि नहीं। आज की वीडियो में आपको ये कुछ महीने लगा, जैसा आप देख लिया होगा, बनाना आपने सीख लिया होगा कि किस तरह से आप बना सकते हो, और जो कि हम अब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे ये उड़ सकता है कि नहीं। आका भाई जो कि अभी ये तलामीशा में डालेगा, उसके बाद इसको उड़ाना शुरू कर। तो गाइस आपके भाई ने जो कि पत्थर शल्ले को तलामीशा में डाली है, अब आती है इसकी उड़ाने की। अब क्या करेंगे गाइस, इसको उड़ाना शुरू करते हैं। पत्थर शल्ला जो कि रेडी शुडी हो गया, उसके साथ ये डोर आप उड़ाना शुरू करेंगे, जो कि आज की हवा हमारे इस तरफ है, ठीक है, ये दरख की तरफ थी, जो कि पिछले व्लॉग में हमारी दरख की तरफ थी, जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम वहाँ जा कर उड़ाया था गुड्डा। आज हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हवा है, ठीक है, इस तरफ हवा है, तो हम ये पत्थर शल्ले को इस तरफ हम उड़ाएंगे। तो इसको टाइम के अभी उड़ाना शुरू करते हैं गाइस, अब जो कि आया हम इसको उड़ा के दिखाते हैं आप। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा डोर पक्की है, यकीन करें इतनी पक्की है ना, ये एक गुड्डा जो कि 10-10 गुड्डे एक मिनटों में काट सकता है। तो गाइस ये देख सकते हैं, फिर से ये चीरा पड़ चुका है गाइस। अब क्या करूँगा, इसको ना मैं
टेप वगैरह लगा लेता हूँ ताकि ना उड़ाने में आसानी रहे। बहुत ज़्यादा चिरे पते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अब क्या करेंगे गाइस, इसको टेप शूट लगा लेते हैं फिर इसको उड़ाना शुरू करते हैं। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अभी जो के आका भाई जो के गुड्डा अभी जब भी उड़ाता है तो दो तीन गुड्डे आले द्वारे अपने आप ही उड़ जाते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिकली उड़ जाते हैं। उसको पता है कि ये बहुत ज़्यादा पेचे बाज है, उसी को के पेचे मतलब लगाते रहते हैं। अभी भी जो के वो नीला गुड्डा भी पेचा लगा रहा है, अभी मैं उसको भी साथ पेचा लगाऊंगा। तो वो लोग यहाँ पर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।